इम्पोर्टेंट यार, उनको यहाँ पे आप डाइवर्ट कर रहे हो उनको। आपके तो भाई स्टूडेंट्स हैं। हाँ, मैं इसीलिए चाहता हूँ खेले वो यहाँ ना आए, अपने खेल पे उनका कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बुलाना है तो फिर मेरा जिक्र मत करना उनको। मैंने उनको मना किया हुआ कि अपना रिलेशनशिप लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, जो भी है वो मानेंगे नहीं, कबूल नहीं करेंगे लोगों के सामने। तुम चलो ये खजूर तुम्हारे सामने, फिर मेरा बेइज्जती अच्छी लगेगी। चलो जा। Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, we're calling them here on the show. वो accept right here, Sunrisers Hyderabad के तीन पठान आज हमारे शो पे होंगे। The one, the only, Yousaf Pathan, Rashid Khan and Muhammad Nabi. स्वागत है आपका यूसुफ भाई, कैसे हैं? गुड टू हैव यू ऑन द शो। आइए वेलकम अबोर्ड। आइए बैठिए प्लीज, ग्रैब अ सीट, रिलैक्स भाई, मैच खेल कर आए हैं। सो गुड टू हैव देम ऑन द शो। यूसुफ, राशिद, नाबी, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर साहब, अरे आपके स्टूडेंट्स आए हैं, देखो ना सही। हेलो, हाउ आर यू? हेलो प्रोफेसर साहब, लेकिन आप अपना चेहरा तो दिखाइए। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छा खेल रहे हो तो खेल रहे हो, इसमें गुरु का काम होता है। ठीक है, बट ठीक है, ओके। आप कभी मिले हैं इस इंसान से पहले? याद भी कौन है यार, कभी देखा है नहीं है। अभी नहीं ना यार, कभी किधर से लाया ये, कभी ये फोटो देखी? अपना यूसुफ साहब नहीं बोल रहे कुछ, ये पहचानते हैं मेरे को पता। मेरे और राशिद के एज में बहुत फर्क है, मगर ये दोनों तो एक जैसे, 12 साल का फर्क है। अच्छा, दोनों सेम ही लग रहे हैं। 12 साल की उम्र में आपने डायपर पहना, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब, ये बात यहाँ पर प्रूव हो गई कि आप एक नंबर के झूठे और मक्कार आदमी हो, एक नंबर के। आप यूसुफ से पूछ लीजिए। बताइए यूसुफ भाई, मैंने सुना था ये बच्चे चोरी करते। अच्छा, आप सब गुरु जी के, उस्ताद जी के बारे में बातें करते रहोगे, क्रिकेट के बारे में भी बातें करोगे? वो भी शुरू करो ना यार, सारा टाइम उस्ताद जी, ये उस्ताद जी वो। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया सीजन रहा आपके लिए यूसुफ भाई, राशिद, नाबी, कंग्रेचुलेशन सबसे पहले कि भाई इतनी अच्छी टीम ने परफॉर्मेंस दी है। थैंक यू। तो क्या कहेंगे यूसुफ भाई, इस साल ये सूर्य जो है सनराइजर्स का इतनी ऊंचाई पर ऐसे है, और टीम की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताइए। ऐसे टीम हम लोग बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसका नतीजा है कि हम लोग अभी टेबल टॉपर कर रहे हैं। बताइए कैसा रहा आपका अनुभव इस साल का, और अच्छा लगता होगा बड़ी इंटेंसिटी से बॉलिंग करते हैं आप, आपकी लेग स्पिन माशाल्लाह कमाल है जिस तरीके से करते हैं, कई सारी विकेट भी ली हैं आपने, तो सीजन अच्छा गया आपका? हाँ, काफी अच्छा सीजन अभी तक रहा है, और कोशिश करेंगे कि अगले मैचेस में भी इसी तरह परफॉर्म करते रहे। इस साल मेरे लिए परफॉर्मेंस करना थोड़ा टफ भी था और चैलेंज भी था, तो कोशिश यही थी कि मतलब मुताबिक जाओ, तो अभी तक काफी अच्छा रहा है, और होपफुली जो प्ले ऑफ मैचेस है उसमें भी अच्छा करेंगे। सर जडेजा सर, जैसे समीर ने कहा कि ये लेग स्पिन बड़ी अच्छी करते हैं, यार मुझे समझ में नहीं आता, स्पिन तो हाथ से होती है, लेग से आप कैसे मैनेज कर लेते हैं स्पिन का? अच्छा बॉल, नबी साहब, योर एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा कैसा रहा इस साल का? आपके फेलो कंट्री मेट आपके साथ हैं, सेम टीम में खेल रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात होगी। बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लास्ट टू सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के साथ परफॉर्मेंस भी लास्ट ईयर अच्छा था, इस साल भी बेस्ट परफॉर्मेंस है, टॉपर ऑफ द टेबल है। होपफुली लास्ट जितनी भी लास्ट वीक अच्छा गुजरे, और होपफुली ट्रॉफी हम ही सनराइजर्स जीते। नाबी, आपसे पूछेंगे, जब पहली बार आपको पता चला कि आप इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, उस वक्त आपको कैसा लगा, क्या महसूस कर रहे थे आप? इनको लगा होगा कि पहली बार खेल रहे हैं, और कैसा लगा होगा? यार ये कैसा सवाल है? तो
साहब पहली बार आदमी मुंह में खजूर डाल दूंगा खड़े हो गए साहब आप बताइए सवाल बनता है पहली बार खेले तो कैसा लगा सर बात पहली बार इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है सर इसीलिए आप इतने खजूर प्रोफेसर हैं इसीलिए इनको हम प्रोफेसर मानते हैं क्योंकि इनके जो वहाँ पे मेंटोर भी हैं वो भी जब बल्लेबाजी करने जाते थे ना उससे पहले वो बाथरूम जरूर जाते थे वीवीएस लक्ष्मण की बल्लेबाजी आने वाली हो पहले वो बाथरूम जाते आपको पहली बार बाथरूम जाना ही पड़ता है करेक्ट ऑप्शन करवा दो मेरी मैं 2-10-12 बार गया हूँ ऑप्शन के लिए मेरे को अंदर ही नहीं घुसने देते कौन से ऑप्शन में जाते हैं आप